subscribe to our channel SinTV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो। उमेद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा। ज़बरदस्त रेसिपीज़ जेका असां ठाहींदा आहियूं शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल आहे, ओमेगा 3 मौजूदु आहे, बनस्पति गिह तमामु बहितरीन, एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन ऐं बेकिंग ओवन वग़ैरह सभु दस्तियाब मार्केट में ॾिसी सघो था। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो, पूरो वीक असां गेस्ट घुरायूं पिया, मज़ेदार प्रोग्राम कयूं पिया, डिफरेंट रेसिपीज़ सां गॾु शेफ्स बि अचनि पिया, कुकिंग एक्सपर्ट्स बि अचनि पिया, घरेलू ख़वातीन बि अचनि थियूं ऐं उहे रेसिपीज़ पंहिंजो हिते अची शेयर कंदियूं। त इहे मज़ेदार प्रोग्राम अॼु खां बल्कि ॿ ॾींहनि खां हले पियो। अॼोकी रेसिपी जेका ठहंदी उहो ज़बरदस्त आहे, गेस्ट खां पुछंदासीं ऐं छा ठहंदो सॼो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं सॼी डिटेल में। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो आहे, स्क्रीन ते नंबर हलंदो आहे, हुते तव्हां पुछणो हुजे कुझु बि पुछी सघो था। कुकिंग विद शेफ सां मुंहिंजो पेज आहे, हुते रेसिपी अपलोड थींदी आहे। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, तव्हांखे सॼी वीडियोज़ मिली वेंदियूं। अॼु की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटमिन ए यू डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति की बेहतरीन हर जगह मिल रहा है। आप उसमें पराठे बनाएं, मीठे बनाएं, काफ़ी जगहों पे हम मीठे में यूज़ करते हैं, खासकर मिठाइयों में भी। एनएक्स हमारे साथ है जिसमें जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर सब अवेलेबल है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह आप ले सकती हैं, उनकी वेबसाइट जाके आप देख सकती हैं। और जिस तरह हम पूरा वीक में करता आ रहा हूँ, गेस्ट हमारे साथ हैं उनमें शेफ़ भी हैं, कुकिंग एक्सपर्ट भी आ रहे हैं, तो आज भी हमारे पास शेफ़ हैं, बेकिंग करेंगे, लाइक केक भी होगा और सारी चीज़ें आपको बताएंगे क्या क्या आज बनेगा। और कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक करें, वहाँ रेसिपीज अपलोड हो जाएंगी विद पिक्चर, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। और वीडियो देखने के लिए सर्च करें SinTV HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी तो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जो होता है उसको ज़रूर दबाया करें, रेसिपी को लाइक किया करें, अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। किचन में चलेंगे और वेलकम करेंगे जो शेफ़ है हमारे पास, शेफ सोनिया शेख हैं आज हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? काफ़ी इंतज़ार करवाया आज आपको। आज क्या बना रही हैं आप? रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, 7 कपकेक्स हैं और रेड वेलवेट कुकीज हैं। अच्छा, थीम एक ही है सारी? जी, एक ही थीम, एक ही थीम से बना रहे हैं। रेड वेलवेट केक है, रेड वेलवेट कपकेक हैं और रेड वेलवेट केक कुकीज भी बन रहे हैं। कुकीज़ की काफ़ी मुझे बेकिंग की फरमाइश आती रहती है तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, इनको बुलाते भी रहेंगे, आपको कुकीज़ वगैरह डिफरेंट किस्म की चीज़ें सिखाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पेपर या डायरी साथ रखा करें या रजिस्टर रखा करें, मेजरमेंट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। स्टार्ट करते हैं, फिर बातें भी करते रहेंगे ताकि हमारा टाइम भी बचे। पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम? पहले हम बनाएंगे रेड वेलवेट केक। ठीक है, स्टार्ट करें। उसका बैटर बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक बाउल ले लेते हैं और बीटर ले लेते हैं। एनएक्स का बीटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है? एनएक्स जो बीटर यूज़ करना सीखिए, मैं लगा देता हूँ आपको और फिर आप आराम से सेटिंग करके अपने हिसाब से चलाएं, ठीक है? रेड वेलवेट केक ठाहे पियो, कुकीज़ ठहन पिया, यानी बिस्किट्स ठहंदा रेड वेलवेट में ऐं कप केक्स भी ठहंदा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसमें बटर डालना है। बटर अनसॉल्टेड है या सॉल्टेड है? बटर अनसॉल्टेड है और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे निकाल लेंगे, रख लेंगे। ये खाना बहुत हार्ड हो और फिर बहुत टाइम लगता है, सॉफ्ट हो जाए। कितना ग्राम ले रहे हैं? ये है 200 ग्राम बटर है। 200 ग्राम अनसॉल्टेड मिल जाता है मार्केट में, ठीक है? बगैर लूण जो अनसॉल्टेड मक्खन मिलंदो है, बल्कि जो घर में जो देसी मक्खन जो बनता है वो यही होता है, सॉफ्ट क्रीमी सा होता है। नहीं, वो दूध, वो घी में हो, वो घी बन जाता है, वो जो हम दूध से बनाते हैं, वो घी हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ये अलग, ठीक है। अनसॉल्टेड बटर लेना है आपने, ठीक है? 200 ग्राम है, 200 ग्राम है और उसको रूम टेम्परेचर पे आपने, रूम टेम्परेचर पे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। उसके अंदर आइसिंग शुगर डालेंगे 200 ग्राम। आइसिंग शुगर कितनी चाहिए? 200 ग्राम। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो हम इसको ग्राइंड करके बना सकते हैं। आइसिंग शुगर जो है टाइम थोड़ा कम लगे इसलिए मैंने यूज करी है, वैसे नॉर्मल शुगर जाएगी। नॉर्मल शुगर ये है कि वो उसको थोड़ा बीट करने में टाइम लगता है क्योंकि उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो खत्म कर देते हैं, इसमें ग्रेन्यूल्स बनेंगे नहीं, ठीक है? टाइम कम लगेगा। कितना लिया हमने शुगर? 200 ग्राम शुगर है, 200 ग्राम बटर है। अब इसको पहले थोड़ा बीट करेंगे, ये फ्लफी हो जाए, स्टार्ट हो गया है? हाँ जी, ऑन है। ठीक है। अब देखें जी,
ठीक है 200 ग्राम आइसिंग शुगर है, वैसे नॉर्मल शुगर यूज होती है, नॉर्मल शुगर यूज होगी क्योंकि नॉर्मल शुगर में थोड़ा टाइम लगता है उसे फ्लफी होने में, ठीक है फ्लफी होने में टाइम लगता है। और 200 ग्राम अनसॉल्टेड बटर है, अगर अनसॉल्टेड बटर नहीं मिलता इन केस फिर तो आप सॉल्टेड डाल लें, थोड़ा सा वो हो जाएगा, नहीं मिल जाएगा वैसे ये बेकरी पे मिल जाएगा आपको, ठीक है किसी भी बेकरी पे इजीली अवेलेबल है। अच्छा बहुत से लोग सोनिया जैसे कुकिंग ऑयल भी यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल भी यूज होता है लेकिन कर सकते हैं आप इसकी जगह, हाँ कुकिंग ऑयल। तो उसमें क्या आप जब केक खाते हैं तो उसमें क्या फर्क आता है, क्या फीलिंग होती है आपको? नहीं उसमें नहीं होता इतना ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब बटर नहीं होता तो मैं उसमें कुकिंग ऑयल भी यूज कर लेती हूँ। सपोज हमने 200 ग्राम तो 200 ग्राम ही आप कुकिंग ऑयल, अच्छा उतना ही लेना जी, सेम क्वांटिटी होगी। अगर बटर नहीं है आपके पास तो आप कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, ठीक है और 200 ग्राम ही आपने यूज करना है, ठीक है। मक्खन अगर ना है तो तहां ऑयल यूज कर सको था, लेकिन मेजरमेंट करनी होती है, मेजरमेंट यानी मेजरमेंट पूरी होनी चाहिए वरना आपका केक खराब हो जाएगा, ठीक है। 200 ग्राम के लिए भी वो कप्स मिलते हैं, मेजरमेंट कप, ये जब बेकिंग का आपको शौक है आपके पास हर चीज होनी चाहिए, स्केल होता है, स्केल पे आप मेजर कर सकते हैं, स्केल हां वो आपके पास हावी है। अच्छा ये आइसिंग शुगर इसीलिए की कि जल्दी हो जाएगी जी, वरना उसके ग्रेन्यूल्स बनने में बहुत टाइम लग जाता है रिमूव होने में। प्री हीट कितना ओवन हमने किया हुआ है 15, अब हम इसमें 5 एग्स डालेंगे वन बाय वन, ठीक है 5 एग्स डालेंगे वन बाय वन, ठीक है और इसको बीट कर दे जाएंगे, एक को एक बेतो भी चलता सी आगे बीट करना आना सी। 200 ग्राम खंड हुई, 200 ग्राम मक्खन है अनसॉल्टेड यानी बगैर लून जो मिली तो हमें मार्केट में, लून के नरम करना है, नरम करने का पो उनके बीट करना है, एक बेतो में विझन पिया, ठीक है एक एक अंदर जा रहा है। 200 ग्राम आइसिंग शुगर इन्होंने ली वरना नॉर्मल 200 ग्राम फाइव एग्स, ठीक है पंचबेदा एक एक डालना है, सारे एक साथ नहीं डालना, एक एक अंडा जाएगा इसमें और लाइन में डालता जाऊँ ताकि। अब ये कितने गए, तीन दो और, ठीक है आप बीट करें मैं डालता हूँ। और प्री हीट किया हुआ ओवन को, ठीक है आप प्री हीट करके पांच अंडे चले गए, अच्छी तरह बीट करना ताकि फ्लफी सा बन जाए। एनएक्स का बीटर यूज कर रहे हैं, एनएक्स ऐसा सा कर रहा है, ठीक है एनएक्स का बीटर बेहतरीन है, हर जगह मिले तो समझ नहीं सकते। क्या करेंगे अब हम इसे चेक कर लेंगे, इसमें कोई शुगर ग्रेन्यूल्स तो नहीं है, अगर शुगर का एक भी दाना रह जाएगा तो आपका स्पंज खराब हो सकता है या बैठ सकता है, अक्सर बैठ जाता है इसी वजह से। तो अब इसमें नहीं, अब इसमें हम जो है स्ट्रॉबेरी का एसेंस डालेंगे, ठीक है रेड कलर में मिल जाता है स्ट्रॉबेरी एसेंस रेडी होता है। और अगर ये ना हो तो फिर वनीला डाल सकते हैं इन केस अगर बार दफा नहीं मिलता, हाँ वनीला डाल लें लेकिन ये एक रेड वेलवेट है थोड़ा स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आएगा, इसमें हमने फूड कलर ऐड करना है, फूड कलर आपके अपने ऊपर, आप डार्क कलर रखना चाहते हैं या लाइट, ठीक है आप कितना डाल रही हैं, हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून तो है तकरीबन, रेड फूड कलर चला गया, रेड फूड कलर चला गया, अभी इसे चेक कर लेंगे पहले हम, बस और डालूंगी फ्लावर डालूंगी तो इसका कलर डल हो जाएगा, डिपेंड करता है आप खुद चेक करके इसका कलर आपने वो डार्क रखना है या लाइट रखना है, वैसे डार्क ही अच्छा लगता है जो उसका ओरिजिनल कलर होता है। अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, उसके बाद जो है फ्लावर जो है हमने सीव करके रखा हुआ है, कितना ही है ये है 200 ग्राम, ठीक है फ्लावर मस्ट जो है सीव करके रखना है वरना लम्स बन सकते हैं इसके अंदर, छान के रखना है, ठीक है
मैदा है 200 ग्राम है ना? जी 200 ग्राम है और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, फोल्ड हाथ से किसी से करेंगे इसमें जी। मर्जी आप हाथ से कर लेंगे हमें। ठीक है, 200 ग्राम लिया मैदा, 200 ग्राम मैदुआ है, पेरिन में स्ट्रॉबेरी एसेंस भी दो, अगर स्ट्रॉबेरी एसेंस न तो मिले तो वनीला एसेंस भी मिल जाए, रेड फूड कलर गाढ़ो फूड कलर भी दो है उनके मिक्स कर रहा 1 टीस्पून का थोड़ा घट। हाँ मैदो है मैदे के छाने वट जो चंगी तरह कॉर्निशे न रही मैंने वो 200 ग्राम थोड़ा थोड़ा करी बेच। ठीक है, 200 ग्राम इसमें चला गया, 3 पोर्शंस में हम इसे ऐड कर लेंगे। बेकिंग टाइम क्या होगा इसका? बेकिंग टाइम होगा इसका 25 टू 30 मिनट। अच्छी तरह इसको फोल्ड करेंगे, 3 पोर्शंस में डाला है। ठीक है, ट्रे हिस्सन में करी बिजबो पेरेंट बिजबो एक हिस्सों उनके मिक्स कर बो हिनी तरीके से था मिक्स कर लो। अभी बेकिंग पाउडर नहीं किया ना इसमें? बेकिंग पाउडर नहीं गया, बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर कितना है? बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून है इसमें। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जी। ठीक है, 200 ग्राम मैदा चला गया, इसको छान लिया वो डाला और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला, 200 ग्राम मैदो वयो आखिर में उनका पो बेकिंग पाउडर एक चाय जो चमचा। इसमें बटर है तो ये थोड़ा मुश्किल से लम्स बनेंगे, लम्स आएंगे, वरना जो हम दूसरा स्पंज केक का बनाते हैं उसे आराम आराम से फोल्ड करते हैं ताकि वो थोड़ा बैठ ना जाए, वो मसला हो जाता है उसमें। हां वो एयर निकल जाती ना, वो बैठना शुरू हो जाता है, वो बैठना शुरू तो उसको बहुत देख के उसे करना पड़ता है। अच्छा, जो हम कपकेक्स बनाएंगे इसी बैटर से बनाएंगे? सेम। अच्छा, आप अगर सिर्फ जस्ट कपकेक्स बनाना चाहते हैं तब भी बेटर इसी क्वांटिटी में, कितने बन जाएंगे अगर हम इसमें सिर्फ कपकेक्स बनाते हैं हमें? अगर इस क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपका एक 1 पाउंड का केक बनेगा और 4 to 5 आपके कपकेक्स बनेंगे। और अगर जस्ट हम कपकेक्स अगर आप इसमें बनाएंगे तो तकरीबन आपके 12 कपकेक्स बनेंगे। अच्छी तरह इसको कर रहे हैं ताकि इसमें लम्स। अच्छा, बेकिंग का शौक था या? बेकिंग का शौक था शुरू से। जी शुरू से था। तो आपने बेकिंग कहाँ से सीखी? बेकिंग में मैंने पूरा प्रॉपर कोर्स करा शेफ का जी, प्रीतम से किया जी। ठीक है, और उसके बाद आपने? उसके बाद फिर मैरिड होटल में मैंने करा। और अब क्या कर रही हैं आप? अब मेरा अपना पेज भी रन कर रही हूँ, होटल भी। किस नाम से आपका पेज? दी केक बॉक्स के नाम से। दी केक बॉक्स के नाम से आपका पेज है। पेज रन करती हूँ, ऑर्डर्स भी लेती हैं। ऑर्डर्स भी लेती हूँ और वेडिंग और जैसे रिसेप्शन हो गया तो उसमें मैं पूरा केक स्टॉल जाके प्रॉपर पूरा अपना सेटअप करती हूँ। इसके लम्स खत्म हो गए, हम इसे मोल्ड में डालेंगे। 1 पाउंड का मोल्ड है, ठीक है, ये मिल जाता है इजीली। और इसको आपने ग्रीस किया है, इसका प्रोसेस बता दें। इसको हमने पहले मोल्ड लिया, मोल्ड को अच्छे से आपने क्लीन कर लेना है, उसके बाद बटर पेपर से चाहें तो आप बटर पेपर लगा लें, वरना आप सिर्फ ऑयल से इसे ग्रीस कर लें। हमने इसमें बटर पेपर लगाया ताकि ईजिली ये निकल कर आ जाए, वरना फिर वो ख़राब हो जाता है, आप नाइफ लगाते हैं अगर आप। बाकी कपकेक्स ये वाला लेंगे आप? इसको हाफ कर लेना क्योंकि ये राइस भी होगा। हाँ। और ये राइस ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा राइस होगा क्योंकि ये बटर वाला है। ठीक है, कितनी देर छोड़ेंगे इसे बाहर? बाहर कितनी देर रखेंगे? बाहर नहीं रखना, बस ऐसे डायरेक्ट कर दें। ठीक है, राइस साथ ही रख देंगे, कपकेक्स भी साथ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 1 पाउंड का केक बन गया।
और बाकी हम कपकेक्स के जो ये कितना आप पोर्शन डालना है अपने इसमें? ये आप बस 3/4 डालना है। ठीक है 3/4। ठीक है नंदा जी का कपकेक्स जो होता है उनमें फुल ना भर हुआ यानी 3/4 ठीक है वो भी थोड़ा राइज होगा ना। हाँ राइज होता है 70% तकरीबन उनमें 75% भेजना है। कपकेक्स की क्या है टाइमिंग? कपकेक्स 15 मिनट्स ठीक है हो जाएंगे जी, और इसको 25 to 30 इसको 25 to 30 मिनट्स लग जाएंगे। इसके बाद हम कुकीज बनाएंगे जी, इसके बाद हम कुकीज बनाएंगे। ठीक है जबरदस्त रेसिपी टाइप है रेड वेलवेट कप केक का है, रेड वेलवेट केक का है 1 pound जो आई रेड वेलवेट कुकीज़ यानी बिस्किट ठान पे रेसिपी तांके रिपीट कराइंदासी। वरी जबरदस्त प्रोग्राम आए आई जरूर नोट कजो, हमेशा तां मुखे चाहिंदा हो कि बेकिंग ची बेकिंग करायो, बेकिंग बेकिंग में मेहनत इलाही आ, मेहनत छाए के सुठो लगंदो अगर तां सुठे तरीके से ठायो। हां ये हमारे हो गए, इसको हम डालेंगे प्री हीट किया हुआ ओवन। ठीक है 15 मिनट पहले प्री हीट किया हुआ है 180 to 200। अच्छा गैस ओवन होता है जैसे जी। कुकिंग रेंज के नीचे उसको कितनी देर आप करते हैं प्री हीट? उसको भी आप बस इतना ज़्यादा नहीं, आप 5 मिनट भी पहले अगर आप कर दें तो वो तो वैसे ही ओवन बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। ठीक है जी 5 मिनट पहले खोल दें, 10 मिनट पहले कोई इशू नहीं है। ठीक है अच्छा ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक इसे हम रखेंगे ओवन में। ठीक है सेंटर में रखिएगा ओवन में, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। सेकंड जो हम बनाएंगे थर्ड रेसिपी है कुकीज़ हैं वो बनाएंगे, किस तरह बनेंगे बट उतर के शॉर्ट ब्रेक ब्रेकअप हो चाहिए कंटिन्यू करते हैं। दिल चाहे और क्या शारजा, शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, ओमेगा 3 मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूस है, ब्लेंडर, चॉपर एंड बीटर एंड मिक्सर, हर चीज़ आपके सामने, बीटर भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे रेड वेलवेट कुकीज़ बनाएंगे। ठीक है उसके लिए पहले हमें बटर चाहिए। ठीक बटर जो है हमारा 1/2 cup है। अब इसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कप्स में है। अच्छा 1/2 cup है, मेजरमेंट कप्स में। ये भी सॉफ्ट किया हुआ है पहले से जी, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है के पीसेस कर लिएगा छोटे स्पून से। ठीक है 1/2 cup बटर है। ठीक है 1/2 cup मक्खन खाया हुआ है, सॉफ्ट थी वो। अब हम इसमें क्या करेंगे? 1/2 cup जो है हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। 1/2 cup ब्राउन शुगर, 1/2 cup बटर, ये कुकीज बन रहे हैं। ठीक है 1/2 cup जो है बटर है। ठीक है 1/2 cup ब्राउन शुगर हो गया और 1/3 पोर्शन जो है आपने शुगर का ऐड कर। ठीक है अब हम इसे थोड़ा सा 2 मिनट बीट करेंगे। वन थर्ड कप शुगर है, नॉर्मल चीनी है, 1/2 cup ब्राउन शुगर है और 1/2 cup बटर है। ठीक है 1/2 cup मखणा है अनसॉल्टेड, 1/2 cup ब्राउन शुगर आए आई है ना, कितनी है वो वाइट शुगर? 1/3 cup। ठीक है हुआ है नॉर्मल खंड जो कम हुआ। ये थोड़ी हार्ड हो रही है ना, अच्छी तरह इसको बीटर से बीट करना है। ये कितनी देर बीट करना होता है? ये इसका ये भी 15 मिनट्स तो होगा। ओके 10 to 15 मिनट्स बीट्स करना है इसको, बीट करना है 10 इसको तो। इतना नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा बीट कर देंगे और शुगर के वो ग्रेन्यूल्स खत्म हो गए तो वो कुकीज़ नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है अगर आपको सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल, जैसे बाज़ लोग होते हैं वो ज़्यादा कुकीज़ को हार्ड पसंद नहीं करते, मुझे भी ज़्यादा हार्ड पसंद नहीं है, तो मैं इसको बिल्कुल फ्लफी कर दूँ। अच्छा फ्लफी उससे ये होता है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। ठीक है और रेड वेलवेट कुकीज़ थोड़े सॉफ्ट ही होते हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं होते दूसरे कुकीज़ की तरह। अब हम इसमें एक एग ऐड करेंगे। मैं डाल दूँ साथ ही बीट करते हुए? जी जी ठीक है। अंडा जाएगा 1 अदद साथ ही इसमें चला गया।
इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिल्क ले आएगा। मिल्क डाला है 1 टेबल स्पून, एक खाने का चम्मच 1 टेबल स्पून मिल्क चला गया, ठीक है। एक का खाने का चम्मच खीर हली हुए और एक अदद अंडो हली हुए बेटो। स्पेशला चाहिए ना आपको? जी ले आइए, ठीक है। और कितना इसको बीट करना है? इसको अभी थोड़ा और करेंगे। ये राइस हो रहे हैं, साथ ही इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। क्या डाल रहे हैं? वनीला एसेंस, ठीक है। वनीला एसेंस जाएगा इसमें? वो नहीं जाएगा? नहीं वो नहीं जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा वनीला एसेंस। 1 टीस्पून, एक चाय जो चम्मच वनीला एसेंस। आराम आराम से डिटेल में आपको एक एक चीज बता रहे हैं, आप लिखते जाए, ठीक है। बिल्कुल हिकड़ी शे तक डिटेल में बुधायूँ पाया, उनके लिखा वनो बिल्कुल हर शे तक बुधायूँ पाया, उन्हीं मेजरमेंट उनकी वही रख जो बुधायूँ पे। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको आप कर दें। इसमें अब रेड कलर ऐड कर देंगे। अब रेड फूड कलर जाएगा इसमें, ये हाफ टी स्पून तकरीबन, हाफ टी स्पून आधे चाय जो चम्मच गाढ़ो कलर रेड कलर से खोलवा, थोड़ा डालेंगे लाइट होगा, ज्यादा आपको मरहून चाहिए ब्राउनिश से तो अच्छा। आप ज्यादा डाल दें, आप लाइट कलर में रखें लाइट। अगर आपको लगे कलर लाइट है तो आप बाद में भी जब हम प्याज की पुआ डालेंगे तब डाल सकते हैं, कलर लाइट है। अब क्या करेंगे? जी मिक्सचर हमारा फ्लफी हो गया, अब इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा ये अच्छा सा फ्लफी होना चाहिए, ठीक है। ये देख दिखाएं, ये देखें बिल्कुल अच्छा सा फ्लफी होना चाहिए, फिर इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर 1/4 है, 1/4 कप, ठीक है। एक चौथाई कप, ठीक है। कोको पाउडर हमने बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर एक चाय जो चम्मच, 1/4 यानी क्वार्टर कप, 1/4 थी विंदो 75% तकरीबन तां विजंदा कोको पाउडर, ठीक है। उन्नो कप है 25% 1/4, ठीक है। अगर इसमें हमें कलर लाइट लगेगा तो हम और ऐड कर सकते हैं, फिर आप इसमें फूड कलर ऐड करेंगे जी, अगर लाइट लगा, लाइट लगा तो, क्योंकि इसका कलर रेड नहीं होगा मरून होगा, कोको पाउडर है, ठीक है। अब इसमें कितना जाएगा? ये जो है 1 कप एंड हाफ कप, 1.5 कप जी, 1.5 कप, ठीक है। 1.5 कप आपने मैदा डालना है, इसको भी छान के अच्छी तरह, ठीक है। मैदो विंदो 1.5 कप छाने, थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे ना, इसमें फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। मैदा इसमें जाएगा 1.5 कप, लेकिन उसको आपने छानना है। पूरा 1.5 है जी, ये अच्छी सी डो बनेगी, हार्ड सा बनेगा, हार्ड सी डो बनेगी। और इसको फ्रिज में रखा जाएगा? फ्रिज में 1 आवर के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए, ठीक है। 1 कलाक इनके फ्रिज में रखना है तैयार करने का, कोई हार्ड थी दो थोड़ो थोड़ो ही विजन पे मैं दो 1.5 कप विंदो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी विझा बब टे टेबल स्पून के फोल्ड कंदा विंदा, मिक्स कंदा विंदा, हार्ड थी विंदो सख्त डो थी विंदी, उनके कवर करे इनके 1 कलाक फ्रिज में रखना है ना, फ्रिज में रखना है। इसका डो बना के आप 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते, अच्छा 5 दिन तक कर सकते हैं, 5 दिन तक, ठीक है। 5 दिन तक आप ना इसको रख सकते हैं, और ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल हार्ड कुकीज नहीं होंगे क्योंकि ये अमेरिकन कुकीज हैं। जब ये बन जाए उसके बाद इसको थोड़ा ड्राई करके आप जो है इसको कितनी देर छोड़ें? 1 घंटा
नहीं नहीं बस थोड़ी सी देर की रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद आप इसे एयर टाइट जार जार में बंद रखते करके हैं। सेव करना। ठीक है। कलर थोड़ा सा लाइट लग हाँ रहा मुझे है। भी लाइट लग रहा है। जो डो बनी हुई है ना, एक तो आप बना के लाए जी, पहले एक से। मैं बना कर लाई हूँ, टाइम ठीक ताकि ज्यादा ना लगे। उसे भी चेक कर लीजिएगा ओवन में। थोड़ा डार्क करने के लिए, मरून शेड देने के लिए इसमें रेड फूड कलर और मिला दिया। अभी भी लाइट लग रहा है मुझे इससे। अब इसको फ्रिज में रखेंगे जी, सेट इसको हम प्लास्टिक फॉइल पे ले लेंगे। ठीक है, आप उसके करें अंदर डाल के। मैं निकाल दूं कपकेक्स, इसको चेक कर ले। हो गए हैं कपकेक्स, हो गए, वो मैं निकाल देता हूँ और ताकि वो ठंडा हो जाए। ठीक है, कपकेक हमारे हो गए, तो ये मैं निकाल रहा हूँ। गर्म होते हैं बहुत एहतियात से, फिर इसको आपको दिखाएंगे। ठीक है, कपकेक हमारे रेडी हो गए और बहुत गर्म होते हैं, बहुत एहतियात से इस तरह आपने निकालने होते हैं। केक को चेक करते हैं, ये देखें कपकेक हमारे हो गए, अब ये ठंडे होंगे। ठीक है, जब क्या कपकेक ठंडे होंगे तो फिर इसको हम निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, ये आप फोल्ड कर रही हैं इसमें। ठीक है, फोल्ड करके आपने बिल्कुल इसको कवर करके शीट में इस तरह आपने रखना है फ्रिज में। ठीक है, इन तरीके से तुम फ्रिज में रखा दो हितानी सी सगोता तरीकेकार की हैं जो। ठीक है, मैं केक भी चेक करूँ केक को कितना टाइम है। ठीक है, इस तरह नोक वाली कोई भी चीज़ हो आपके पास, स्कीवर होगा, स्कीवर से आप चेक कर सकते हैं, आप ये अभी से चेक कर सकते हैं। काफ़ी टाइम है, मैं हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ना। बिल्कुल एहतियात से इस तरह कवर करके आपने इसको सेट करके फ्रिज में रखना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप कुकीज बनाएंगे कुकीज़, और 5 दिन तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, 5 दिन तक रख सकते हैं। इस तरह देखें सेट करना है। ये डो रेडी हो गया, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 आवर के लिए। अब जो डो बना के लाई है जी, पहले से बनी हुई डो है, उसके हम कुकीज बनाएंगे। उसके हम कुकीज बनाएंगे। अगर ज़्यादा जल्दी है तो इसके आप बॉल्स बना के फ्रिज में रख दें, ताकि एक एक कुकीज़ ताकि वो जल्दी वो हो जाए, फिर उसको फ्लैट करके उसके ऊपर चिप्स लगा के आप रख सकते हैं। ठीक, अब जो डो है बनी, वो डो है ये बना कर लाई हूँ मैं घर से। बाउल चाहिए, इसके बाउल चाहिए, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं। ये वाला चलेगा, अच्छा। जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, इसके कुकीज़ थोड़ी देर में हम बनाएंगे। ब्रेक के बाद आके शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आया है। ठीक है, ब्रेक खा पहुँचे, रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। दिल चाहे और क्या, शारजा शारजा वनस्पति घी, शारजा कुकिंग ऑयल, विटामिन ए इंडिका भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 मौजूद है। उनसे गड एनएक्स एनएक्स बेहतरीन प्रोडक्ट है। तमटी सबूता जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर वगैरह सब जो असो केक लब यूज़ कर करे सबूता यूज़ जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। बॉल्स बना के उसे प्रेस करके तो इसको बताइएगा कितना सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखना,
वो मेजरमेंट आप पूरी करेंगे ऐसे ही बनेगा। ये फ्रिज में रखा हुआ है तो इसलिए वो थोड़ा फ्रिज में रखा हुआ है तो सेट हुआ। इसका कलर थोड़ा डार्क रखा है मैंने, ये घर में बनाया तो उसका थोड़ा लाइट है तो वो थोड़ा रेडिश पे आएगा, ये मरून पे। अब क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स छोटी बनानी है इसमें से, अगर बड़े कुकीज़ बनाएंगे जो इतने फुल साइज़ के होते हैं तो वो 12 की सर्विंग है, छोटे बनाएंगे तो आपके 24 to 30 बन जाएंगे। स्पंज ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है कपकेक का, मैंने खा के भी देखा, ठीक है। ये मैं आपके सामने इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत कितना लग रहा है और सॉफ्ट कितना है इस तरह, ठीक है। इन्हें तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट है स्पंज, ये कपकेक का है, ये तमाम बेहतरीन ठहरा है। तो चेक कर लूँ एक दफ़ा, जी जी बॉल्स बना के रखने हैं ये, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है, इसी तरह आपने कुकीज़ बनाने हैं। इसको ठंडा करके निकाल के फिर पूरा प्रोसेस इसको बताएंगे किस तरह इसकी टॉपिंग होगी क्रीम से। अच्छा गैप इतना देना है, ठीक है, गैप देख रहे हैं क्योंकि ये जब इसका मैं बनाऊंगी तो ये और बड़े हो जाएंगे जब ये ओवन में जाएंगे, अगर आप इसे करीब करीब रखेंगे तो सारे मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तक मैंने 2 से 3 इंच का गैप दिया जी। आपने पतीले में कभी कुकिंग की है, मींस के बेकिंग की है? हाँ, वो जब लाइट चली जाती है तो मैं ओवन से निकाल के फौरन उसे पतीले में। वो क्या प्रोसेस होता है उसका? ये होता है जैसे इसका स्टैंड है, अब तो ये वाले चूल्हे होते हैं हर घर में, उसमें छोटा सा स्टैंड भी होता है छोटे वाला, तो वो पतीला लिया, पतीले के अंदर वो आपने स्टैंड रख दिया या माइक्रोवेव का स्टैंड रख के, ठीक है, वो रख के आपने अपना मोल्ड रख दिया, मोल्ड रख के ढक दें, इतनी फ्लेम होनी चाहिए और अच्छा। उसके बाद बिल्कुल वही टाइम होगा आपका और सॉल्ट डालती हैं आप या डायरेक्ट? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। ये कुकीज़ बन रहे हैं, मैं हमें यहाँ पे हम 3, 6, 7, 9, 10, 11 आ जाएंगे ना, इसमें नहीं आएंगे, गैप आएगा ना यहाँ से, देख लेते हैं थोड़ा करीब। इस तरह बॉल्स बना के रखेंगे, ठीक है। इन्हें तरीके से बॉल्स ठाए जो बेहतरीन तरीके से सफाई सा उनका पॉइंट के। इसको कितनी देर बेक करना है? इसको 10 मिनट्स 10 मिनट ठीक 10 से 12 मिनट्स लगेंगे ज़्यादा। वन एटी डिग्री पे होगा ये, वरना जो है जल जाएगा। अच्छा ये 180 डिग्री पे होगा, ठीक है। और अगर आप पतीले में करना चाहते हैं तो तरीकेकार वही जो आपको पता है, बता भी चुका हूँ मैंने और बताया, क्योंकि अगर मैं बॉल बड़ी बनाती तो ये बड़ा बनता, ये और ज्यादा बड़ा हो जाता, ये काफी है क्योंकि फैलेगा जी। इसको 180 पे किया हुआ इस तरह आपने सारे फ्लैट करके लगाने और फिर इसको हमने प्री हीट ओवन में रख देना है तकरीबन 10 मिनट, ठीक है। अब खाएंगे तो बड़े जबरदस्त, इसके ऊपर भी हम लगाएंगे जी। ये कुकीज कितने दिन तक रख सकते हैं हम? ये आप रख सकते हैं 10 दिन तक आराम से, लेकिन एयर टाइट जार हो और फ्रिज में इसका डो 5 दिन तक रहेगा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, कहीं हार्ड के चक्कर में जो है लोग पका के सफर चले बिल्कुल अजीब से ब्लैक हो जाएंगे बिल्कुल चले हुए वो हल्के हल्के से वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं अफ्रीकन कुकीज बन जाएंगे, ब्राउन कुकीज बन जाएंगे, बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। वैसे भी डार्क है ना, मरून है तो पता नहीं चलेगा, 10 मिनट से ज्यादा आपने नहीं रखा, लेकिन जब हम इसे अंदर से तोड़ेंगे तो ये हल्का हल्का रेडिश कलर आएगा इसका। ये हो गया, इसको हम व्हाइट चॉकलेट चिप जबरदस्त, इसमें शेड आ रहा है, अब कितना अच्छा लग रहा है व्हाइट के साथ, बिल्कुल व्हाइट के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ये रेड वाले वो केक पे जाएंगे जी, ये कपकेक्स पे जाएंगे उसकी गार्निशिंग पे, चिप लगाने आपने चॉकलेट चिप वाइट वाले, ठीक है। वाइट से ही खूबसूरती है कि ब्राउन इसके अंदर है, जब वो हम खाएंगे बाइट लेंगे तो वो फील होंगे आपको, और जो वाइट है वो ऊपर सेट अप प्रेस करके उसको सेट करके फिर आपने ये डाल देना। अब देखें अभी से फूलना शुरू हो गया, राइजिंग खुद ही हो जाती है, ठीक है। बेकिंग पाउडर डाला हुआ है ना जी,
तब ये जाएंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, पूरा टाइम नोट करके 10 मिनट के लिए हम इसे, ठीक है, सेंटर में रखते हैं। 10 मिनट पे सेट करके 180 डिग्री पे आपने कर दिया है डबल ग्रिल ऑन। ठीक है, केक ये रहा। अब हम क्रीम व्हिप कर लेते हैं। हाँ, अच्छा जी, इसको आप बीट कर रहे हैं, कितनी देर बीट किया आपने इसको? इसको हमने तकरीबन 8 to 5 to 8 मिनट। ये दिखा दें, ये है देखिए व्हिप क्रीम, इस तरह बिल्कुल फॉर्मिंग सी बन जाएगा, फॉर्म सा बन जाएगा। ठीक है, ये और ये ठंडी करके यूज करनी है, बता दें। चिल्ड यूज होगी, इसको फ्रीजर में रख कर फिर आप यूज करिएगा, क्योंकि ये फिर ही फ्लफी होगी। आपने लिक्विड फॉर्म में थी तो कितनी ली थी? लिक्विड फॉर्म में आपने लिए 150 ml। 150 ml 1 कप बन गई होगी, 150 ml हो गया आपका, 1 कप से ऊपर, 1 कप से थोड़ा ऊपर था। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आती है ये, गाढ़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, जब इसको आप बीट करते हैं तो पूरी फूल के फॉर्म बन जाएगी, थिक हो जाती है, वो इतनी थिक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई चीज ऐड तो नहीं की है ना? नहीं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं, बिल्कुल बनी बनाई मिलती है। अब क्या करना है हमने, मैं इसके कप्स हटाता हूं, आप उसकी कटिंग करें केक की। इसको भी निकालना है। ठीक है, लाइए मैं निकाल, आप इधर आ जाओ। ये क्रीम मैं निकाल देता हूं, आप कटिंग करें ताकि इसका रिजल्ट हम दिखा सकें। बड़ी यमी सी होती है क्रीम। हमने बटर पेपर लगाया था तो उसकी वजह से आराम से केक निकल गया। ठीक है, केक देखें किस तरह निकला है, क्योंकि बटर पेपर लगा हुआ है तो बड़ी आराम से निकल गया। जो इसका डूम बन गया, इसका डूम हटा देंगे हम ठंडा करके, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, गरम नहीं, गरम टूटना शुरू हो जाएगा। इसे गार्निशिंग में भी यूज कर सकते हैं बाद में, इसको बीच में से सेंटर में काट दिया इस तरह, इसके 2 पीस हो जाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है ये केक, जबरदस्त कलर देखें कितना जबरदस्त आ रहा है इसका, रेड वेलवेट का। नीचे से इसका बटर पेपर हटाएं, मशीन हटा दूं? अब लाइनर ले लेंगे, जिस लाइनर पे आपने लगाना है, केक लाइनर लिया उसके ऊपर रखा है इसे, ये मिल जाता है। ठीक है जी, नहीं भी है तो आप प्लेट पे कर सकते हैं, वैसे ही लेना चाहिए, मिल जाता है। अब मिल्क है, मिल्क हम लेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसे सोक करने के लिए। विच में बक कयो इनके पोहाने खीर मथा, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट करना है। आप इसे शुगर सिरप से भी कर सकते हैं, लेकिन मिल्क का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता, अच्छा है, अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाता है वैसे जी। ठीक है, मैंने इसके कवर्स हटा दिए, ये भी ठंडे हो गए, मैंने इसके भी कवर्स हटा दिए कपकेक से। ये पैलेट नाइफ है। ठीक है, अब ये नाइफ देख लें, इससे बिल्कुल पैलेट है। ठीक है, पैलेट नाइफ है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, हाँ फ्लैट होती है। इसको आपने इस तरह लगाना है, घुमाते जाएं, पूरा अच्छी तरह इसको फ्लैट करें, थिक रखें थोड़ी क्रीम, इस तरह घुमाते जाएं। जैक स्ट्रॉ होगा वो ऐसे निकाल जाएगा, हाँ जो साइड से वो निकालते हैं। ये हो गई हमारे पास एक लेयर, इसके बाद हमने इसकी टॉप लेयर ली, ये लगा दी, इसको भी सोक कर लें। अच्छा, इसको आपने उल्टा करके रखा जी। ठीक है, ये देखिएगा जो ऊपर का फ्लैट था, क्योंकि वो उसका जो है डोम बन गया था, उसका उल्टा कर दिया है। ठीक है, उसको हमने उल्टा करके रखा है। अगर हम बगैर बटर का सिंपल स्पंज बनाते तो उसमें डोम नहीं बनता, वो फ्लैट बनता, फ्लैट बनता। ठीक है, ऊपर से मिल्क, शुगर सिर्फ इसलिए भी नहीं डाल रहे, उससे ना मीठा भी बहुत हो जाता है, मिल्क बिल्कुल सही रहता है, मिल्क से थोड़ा सॉफ्ट भी रहता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठंडा होना चाहिए स्पंज। ठीक है, गर्म होगा तो क्रीम लगाने का कोई हमें फायदा नहीं है, इसको बना के फिर आप फ्रिज में रख दें, बाहर ना रखें। पूरा वाइट होगा, ऊपर से टॉपिंग रेड से करेंगे ना जी। और जब कटिंग करेंगे तो उसके अंदर से स्लाइस जब निकलेगा तो वो उसका शेड आएगा। बिल्कुल सही है, लाइट सा कलर, थोड़ा सा डार्क हुआ है, कोई बात नहीं, बिल्कुल जबरदस्त है, ठंडे होंगे तो फिर हम आप इसको निकाल के दिखाएंगे। अच्छा, बहुत से मैंने देखे हैं
कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में इधर उधर क्या करते हैं, स्पंज बने बनाए मिलते हैं ना, वो खरीद के बस टॉपिंग करके वो दिखा रहे थे, वो नहीं करना चाहिए। अभी ये गर्म है इसलिए टाइम लगता है, ठंडा होगा तो बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं बनाना है, बहुत एहतियात से, ठीक है। बिल्कुल आराम आराम से इनके सेटिंग करनी है, बिल्कुल आराम आराम से इनके असां सेट कंदासीं, ठीक है। जल्दबाजी में न थींदो आहे, केक ॾाढे आराम सां ठहंदो आहे ॾाढो। और जिस तरह ये हटाती जानी है, क्लीन करते जाएँ, जो जो एक्स्ट्रा हट रही है वो आप यहाँ पर क्लीन करते जाएँ, ओवरलैपिंग। अच्छा, बहुत से लोग वो टेट्रा पैक मिलती है फ्रेश क्रीम, उससे नहीं बनता। क्या चाहिए? पैलेट नाइफ के ऊपर वाटर थोड़ा डाल दें। सेट हो जाएगा। घर में आप इस पे चिल्ड वाटर भी लगाएंगे तो ये प्लेन हो जाएगा। प्लेन हो जाएगा। देखिए आप। गरम है, इसको एक घंटा छोड़ दें, ठंडा हो जाए तो फिर बहुत ही जबरदस्त है। इस काफी में हमें ना काफी हैं इतने? जी, जी, जी। चॉकलेट चिप थोड़े से। जी। ताकि प्लेटर अच्छा लगे। व्हाइट चॉकलेट चिप। ये हमारा है कुकीज रेडी। जबरदस्त। ठीक है, हमारे रेड वेलवेट कुकीज रेडी हो गए, ठंडे होंगे तो फिर आप इसको अब हम रख सकते हैं। फिनिशिंग कर लेंगे। अब हमारा केक, ये भी हटा दो इसका स्पंज ऊपर वाला। जी नहीं, अभी इसको क्रम्बल कर दो। नोजल लेंगे, नोजल आप कोई सा भी लगा सकते हैं, इस तरह का ये मिल जाता है। पाइपिंग बैग मिलते हैं, पाइपिंग बैग मिल जाते हैं, पाइपिंग बैग मिल जाते हैं रबर के भी, और ये भी डिस्पोजेबल जो होते हैं, इसमें आप नोजल लेके रखते हैं, ठीक है ना। ये मिली विंदा इन पाइपिंग बैग वगैरह है। हाँ, ये टॉपिंग थी मेरी। ये दिखा जो, ये देखें इसका बैग, ये कितना क्लियर बना है, अभी गर्म है, ठीक है, ये गर्म है। इसका पीछे से देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, इसको तोड़ के आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सॉफ्ट है, अंदर से देखें चॉकलेट चिप नज़र आ रहा है, ठीक है, चॉकलेट चिप भी नज़र आ रहा है इसमें, और इसका रेड कलर भी वेलवेट का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे हो गए चॉकलेट चिप कुकीज़, हाँ सॉरी, रेड वेलवेट कुकीज़। सब कह रहे हैं खाए जा रहे हैं शेफ। इस पर ऐसे ही लगा दूँ क्योंकि अभी गर्म है तो थोड़ा लगा दें, लगा दें, टाइम हमारे पास कम है ना, तो फिर वो फ्रिज में रखें, सेट करें, फिर ऊपर से इसकी टॉपिंग करें। और जो कि रेसिपी ॾाढी ज़बरदस्त हुई, प्रोग्राम तव्हां ॾिठो, ऐं तव्हांजी फरमाइशन जे मुताबिक प्रोग्राम कयूं पिया, ताकि तव्हां हर शइ सिखी सघो, कुकिंग बेकिंग हर शइ तव्हांखे सेखारूं पिया, त इहो तव्हांजे लाइ। अच्छा, ये आपने जो इसका ऊपर का रह गया था पीस हटाया था, ठीक है। आप चाहें तो केक को पूरी फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन आजकल जो नीचे से स्पंज निकला हुआ नजर आता है वो वाली चल रहा है ट्रेंड में। अच्छी तरह इसको जी, कलर कितना अच्छा आ रहा है रेड, इसी तरह केक का अंदर का भी। अगर ज़्यादा ड्राई करने और वो जो साइड्स में पूरा लगाते हैं तो उसे थोड़ा सा आप एक दो मिनट के लिए ओवन में रख दें ऐसे स्क्रम करके, तो वो बिल्कुल ड्राई चूरा टाइप हो जाता है। ठीक है, इसको हम डाल दें इसके सेंटर में एक एक। ठीक है, ज़बरदस्त बना है वेलवेट केक, ठीक है, और उसके साथ वेलवेट कप केक, रेड वेलवेट और रेड वेलवेट कुकीज़ हैं, ठीक है। हमारा ये ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा। रेडी है जी, प्लेटर पे रखें। कटिंग ना करें मैं हमें या करें? नहीं ना, सॉफ्ट है भी। और वो कपकेक्स जी, अब कपकेक्स। अच्छा, अब क्या इसको आपने टॉपिंग कर दी, कपकेक्स को कर रहे हैं, अब इसकी गार्निशिंग कर दें, ठीक है। ये देखें थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ये रेड कलर से करके, जो इसका स्पंज था उसी को ब्रश करके डाला है। जबरदस्त आज की रेसिपी,
कल 12 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है? कोई चीज़ मिस हो जाए रिपीट में आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। और कुकिंग विद शेफ़ फैसल मेरा पेज है, वहाँ भी रेसिपी आ जाएगी। और स्क्रीन पे देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करें सन टीवी HD कुकिंग शो, वहाँ पे आपको रेसिपी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सोनिया शेख, आप आई शेफ़ हैं, ऑर्डर भी लेती हैं और केक्स बनाती हैं, बेकिंग चाइनीज़ में भी आप कर रही हैं ना? जी, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर बुलाएंगे, कुछ अच्छे से बेकिंग में करेंगे, ठीक है? ये आपने बनाए, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है नाज़रीन? कल ही चलेगा रिपीट 12 बजे, ठीक है? दिन को 12 बजे रिपीट, सुबह नहीं जो 12 बजे रिपीट ले जाओ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की हमारी रेसिपी रेड वेलवेट मिंट रह गया, इस पे लगाना जी, मिंट रह गया, ठीक है? कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा, कुकिंग विद शेफ फैसल मेरा पेज है, रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सन टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी और अपडेट्स वहाँ पे जो भी होंगी आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल की रेसिपी देखिए, कल भी हमारे साथ गेस्ट हैं, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, वो भी कोई बेकिंग करेंगी, तो कल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह सुबह 12 बजे रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ फैसल जो पेज है, रेसिपी अपलोड थींदी। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो, इंशाल्लाह वरी नई सुबह रेसिपी हूंदी, नई गेस्ट हूंदी, रेसिपी हूंदी, छा हूंदी बेकिंग में। इंशाल्लाह सुबह वरी मुलाकात है, दुआओं में याद रखो, अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में, विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।